दिल्ली पुलिस क्राइम ब्रांच के एसटीएफ ने दो अंतर्राज्यीय ड्रग तस्कर को गिरफ्तार किया है। दोनों आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम जिले में ओडिशा आंध्र प्रदेश सीमा के जंगल क्षेत्र से गांजा खरीदकर उसे दिल्ली एनसीआर में बेचने के लिए आए थे। पुलिस की जांच से बचने के लिए ये गांजा को ट्रक में केले के बीच छिपा दिए थे। इतनी चालाकी के बावजूद वे पुलिस की नजरों से बच नहीं पाए। दिल्ली आते ही दोनों को दबोच लिया गया। ट्रक से प्लास्टिक के 12 बैग में रखा 445 किलो 200 ग्राम गांजा बरामद कर लिया गया। इसकी कीमत लाखों में बताई जा रही है। डीसीपी साइबर क्राइम भीष्म सिंह के मुताबिक गिरफ्तार किए गए तस्करों के नाम मोसिम और साबिर अली है। मोसिम ओखला और साबिर मेरठ यूपी का रहने वाला है। पुलिस ने तस्करी में इस्तेमाल ट्रक को भी जब्त कर लिया है। वरिष्ठ अधिकारियों ने दिल्ली में गांजे की आपूर्ति रोकने और दिल्ली और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में गांजे की आपूर्ति में शामिल ड्रग तस्करों का पता लगा गिरफ्तार करने की जिम्मेदारी एसटीएफ अपराध शाखा को सौंपी थी। इस पर काम करते हुए पिछले 3-4 महीनों के दौरान एसटीएफ ने कई सदस्यों को गिरफ्तार किया और अलग अलग मामलों में भारी मात्रा में गांजा भी बरामद किया गया। 18 अप्रैल को सूचना मिली कि तस्कर गांजा की आपूर्ति करने एक ट्रक से डेरा गांव के पास आएंगे। इस सूचना पर एसीपी पंकज सिंह की टीम ने डेरा गांव के पास देर रात दोनों तस्कर मोसिम और साबिर अली को गिरफ्तार कर लिया। दोनों ट्रक के अंदर बैठे थे। ट्रक की तलाशी लेने पर उसमें से 12 प्लास्टिक बैग में रखे 445 किलो 200 ग्राम गांजा बरामद हुआ। मामला दर्ज किया गया है और आरोपी मोसिम और साबिर अली को गिरफ्तार किया गया है। पूछताछ में मोसिम ने बताया कि उसने आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम जिले में ओडिशा आंध्र प्रदेश सीमा के जंगल क्षेत्रों से बरामद मारिजुआना लोड किया था। सनसनी ऑफ इंडिया नेटवर्क। अपने आसपास होने वाले क्राइम से सजग रहने और क्राइम वीडियो देखने के लिए सनसनी ऑफ इंडिया यूट्यूब चैनल को लाइक शेयर और अगर आपने हमें अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को भी दबा दीजिए ताकि हर क्राइम से आप रहें जागरूक।